पेश है मुमरा का आलीशान ढाबा, जहां का स्वाद आपको छू जाए और आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ यहां पर क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। स्पेशल डिश में पाए चिकन अचारी ड्राई, चिकन हाउसिंग ड्राई, सलोनी ड्राई, हफ्सा राइस और भी लजीज पकवान, बेवरेज आइसक्रीम और फालूदा, फ्री होम डिलीवरी। इसके अलावा दस्तरखान, फैमिली रूम, वलीमा और बर्थडे सेलिब्रेशन स्पेस अवेलेबल। तो आज ही आए आलीशान फैमिली ढाबा। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मेरठ से मुस्लिम लड़कियों के साथ बदसलूकी की वीडियो सामने आई थी, जिसपे पुलिस ने कार्रवाई भी की है, मगर इसी तरह की एक और वीडियो अब यूपी के मुजफ्फरनगर से भी सामने आई है, जहां नकाब पहनी हुई महिला के साथ बदतमीजी कहें या फिर बदसलूकी कहें, इस महिला के साथ की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुर्का पहनी हुई ये महिला एक लड़की के साथ बाइक पर बैठकर जा रही थी, तभी कुछ दबंगों की नज़र इन पर पड़ती है और ये लोग इसका पीछा करते हैं। हालांकि रास्ते में ही बाइक सवार को रोक लिया जाता है और महिला के साथ ये लोग जो है बदसलूकी करने लगते हैं, उसके चेहरे से नकाब भी खींच लेते हैं। वही ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद पुलिस से जो है कार्रवाई की मांग अब हो रही है और पुलिस ने भी इन पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और जिन आरोपियों ने इस महिला के साथ बदसलूकी की है उनकी तलाश में भी पुलिस अब जुट गई है। जब मर्जी कैसे क्या बताओ भाई, मांग ला कहाँ का भाई? अरे नहीं कहाँ का है तो आप कहाँ की हो? का मुँह खोल इसका, कहाँ की है? ये थाना नई मंडी क्षेत्र से सोशल मीडिया पर एक वीडियो का संज्ञान लिया गया है। इसमें एक महिला और पुरुष जो मोटरसाइकिल पर बैठकर जा रहे हैं, कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनका पीछा किया जाता है और फिर उसके बाद में उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। आवेदक ने थाने पर शिकायत की है और अपनी तहरीर दी है, उसके आधार पर थाना नई मंडी पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जो अज्ञात व्यक्ति जो उनका पीछा कर रहे थे उनके संबंध में जानकारी की जा रही है और जब उनके नाम प्रकाश में आएंगे तो उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।